पंजाब कांग्रेस में चल रही आपसी घमासान को लेकर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बड़ा बयान दिया है। सीएम चन्नी ने कहा है कि उनके और सिद्धू के बीच कोई मतभेद नहीं है। चरणजीत सिंह चन्नी ने जी मीडिया संवाददाता शिवांगी ठाकुर से खास बातचीत की। इस वक्त पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी हमारे साथ हैं, अपने विधानसभा क्षेत्र में हैं आप, यहाँ पर लोगों से मिल रहे हैं लगातार। क्या लग रहा है, इस बार जनता मैंडेट देगी आपको? ऐसा है कि डोर टू डोर मेरे क्षेत्र की जितनी दुकानें हैं मैं सब पे जा रहा हूँ और बड़ा अच्छा रुझान हमारे हक में है और आने वाले इलेक्शन में बहुत बड़े मार्जिन से हम जीतने वाले हैं। मुख्यमंत्री का चेहरा आप ही होंगे? ये पार्टी डिसाइड करेगी। राहुल गांधी जी बोल कर गए हैं, हमने सब ने अनकंडीशनली उनको रिक्वेस्ट कर लिया है कि जिसको भी आप चेहरा बनाओगे हम उसके साथ चले। राहुल गांधी जी ने तो ये भी कहा है कि उन्होंने आपको और सिद्धू जी को साथ में बिठाया था और आप लोगों ने कसम खाई है कि जो भी चेहरा होगा आप एक दूसरे की मदद करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम जो भी चेहरा होगा उसके साथ चलेंगे। तो आपको लग रहा है पार्टी मौका देगी एक बार फिर से? अरे ये अब मौका लगने वाली बात नहीं, आप ही चेहरा है। जब हमने सब कुछ सौंप दिया है पार्टी को, पंजाब को सौंप दिया, ये लड़ाई पंजाब की है, पंजाब के लिए लड़नी है, अपने व्यक्तित्व के लिए नहीं है, ये किसी पोस्ट के लिए लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई पंजाब के लिए। अगर पंजाब गलत हाथों में चला जाएगा, केजरीवाल जैसे बंदे बाहर से आकर यहाँ राज करने लग जाएंगे, वो पंजाब का बहुत बड़ा नुकसान। आप और सिद्धू सेम पेज पर चल रहे हैं इस बार? हम सब, पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरा पंजाब सेम पेज पे चले। नहीं, आपके बयान और उनके बयानों में काफी कॉन्ट्राडिक्शन होता है। कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, स्टेज पे खड़े होकर कहा है कि जिसको पार्टी बनाएगी हम उसके साथ चले। अच्छा ये बताइए, चमकौर साहिब में लगातार हम घूम रहे हैं और चमकौर साहिब की जनता से हमने बात की है, वो कह रहा है आपने काम किया है यहाँ पर लेकिन बदलाव भी वो देखना चाहते हैं और आपके ठीक समक्ष चरणजीत सिंह चन्नी आम आदमी पार्टी के, उनको भी मौका देने की बात कह रहे हैं। ऐसा लगता है कि बदलाव आ गया है, हमारी कंस्टिट्यूएंसी को मुख्यमंत्री मिला है तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.